Yo, what's up everybody, it's your gamer boy here and welcome back to a new Minecraft video. So guys, आज हम लोग दोबारा से ट्रायल एंड खेलने वाले हैं। पिछली बार हमने बहुत कुछ किया था, मैं डिटेल में थोड़ा बता देता हूँ। पिछली बार हमने आयरन का आर्मर बनाया, मतलब आयरन का एक सेट बनाया था, घर बनाया था एंड इतना कुछ किया था। आज हम लोग जाने वाले हैं डायमंड की माइनिंग करने। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई इधर ही कहीं बटन आ रहा है, इधर नहीं, कहां पर रुको, मेरे को एक एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो मेरा हेडफोन का ये लाल कलर वाला लाइट जल रहा है ना, तो नीचे एक सब्सक्राइब वाला एक मतलब सब्सक्राइब टाइप का एक बटन आ रहा होगा, ठीक है। तो उसको जल्दी से ऐसे 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 करके इसको दबा दो एंड शुरू करते हैं गाइस आज का ये माइनक्राफ्ट वीडियो। सो गाइस यार, हम लोग आ चुके हैं अपने ट्रायल एंड के अंदर एंड आप लोग सोच रहे होंगे भाई इतने दिन से वीडियो क्यों लेट थी। मैं आपको आप उसका रीजन बताता हूँ। पहले भाई ये मैं जब भी इंट्रो करता हूँ पहले रात हो जाती है भाई। अबे ज़ॉम्बीज, मैं पहले ज़ॉम्बी को ठोकूंगा, तो उनको कुछ चैन होता ही नहीं है भाई। आ जा आ जा आ जा, पंगे लेने इनको, आ जा बेटो, तुम पिटोगे, तुम भाई पिटोगे भाई, तुम भी आ जा ये भाई। लेकिन थोड़ा लेट हुआ बट चलो। सो गाइस, मैं ये कह रहा था कि इतने दिन से वीडियो लेट होने का रीजन ये है। कौन सा भाई, क्या क्या दिखा रहे हो, ये है गाइस, यही चीज मेरे को बनाने में 8-8 घंटे रोज के लगते थे। अभी तक इसको कंप्लीट नहीं किया, अभी इसको पॉज पे रखा है इस प्रोजेक्ट को। ये हमारा ट्रायल एंड का मेन कासल बोलो, किंगडम बोलो, जो भी बोलो, ये हर एक तरफ से आने वाला है। तो आप मेरे को बताना कैसा लगा डिजाइन, एंड अभी इसको बहुत कुछ बनाना बाकी है। तो आज हम ये नहीं करेंगे, आज तो पहली बात हम डायमंड माइन करने जाने वाले। तो उससे पहले मैं सो के आता हूँ भाई एक बार, चलो आ जाओ भाई। यार ये सीरिया, मतलब मेरे को ऑटो जंप ऑन करके रखना चाहिए। ये देखो मैं जंप कर रहा हूँ, अच्छा ऑटो जंप ऑन ही है भाई, मेरे को लगा भाई ऑटो जंप ही ऑन नहीं है। लॉल, चलो अभी हम चलते हैं और सो जाते पहले। और आज गाइज हम खेल रहे हैं शेडर्स के साथ ताकि थोड़ी सी ब्राइटनेस अच्छी दिखे, मतलब जो गेम का ब्राइटनेस है। एंड अभी ऑप्टिफाइन आ चुका है 1.19 के लिए बहुत अच्छे से, तो हम आराम से खेल सकते हैं। तो पहले मैं बाहर निकलने से पहले मेरे को पता है ज़ॉम्बी एंड स्केलेटन होंगे, तो पहले मैं उनको मारना पड़ेगा। वो रहा भाई ये जगह को मैं क्या करूँ बताओ भाई, इधर क्या मैं टोर्चे फैला दूं सारे 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 तरफ। निकल, ये देखो मैं मार भी नहीं सकता इनको, वो इतनी मतलब ये हो चुकी है ना भाई, ये जगह मेरे को ब्लॉक करनी पड़ेगी। गड्ढे गड्ढे गड्ढे, चारों तरफ गड्ढे ही है भाई, मेरे को गड्ढे फिल करने का काम दिया गया है। एंड गाइस हमने इस मतलब ट्रायल एंड की जो ऑफ कैमरा में मैंने ये सब किए, पहला तो ये तो आपने तो भाई ये तो ऑफ कैमरा नहीं, ऑन स्ट्रीम भी है बहुत कुछ है। तो देख रहे हो, तो ये हमारा फार्म है जिसको मैंने पूरा बना दिए, मतलब एक छोटा सा फार्म है खाने पीने का, जिसको मैं वीडियो में बनना चाहता था बट वीडियो बहुत ज़्यादा देर हो गई तो नहीं बना पाए। और आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये सब बनाने में सामान कहाँ सा है, तो ये जो ये सामान देख रहे हो ना, इन्हीं चेस्ट पे पूरा इस कासल का सामान पड़ा हुआ है। अभी भी बहुत कुछ लाना बाकी है, धीरे धीरे लाएंगे बट अभी के लिए इतना ठीक है। एंड ये सामान इकट्ठे करने में मेरे को 4 या 5 घंटे रोज के, और रोज के अगर मैं 4 या 5 घंटे लूँ तो भाई मैं वीडियो कब बनाऊँगा, तो इसीलिए ऐसे लेट हो जाती है। बट फाइनली आज वीडियो आ गई, तो चलो गाइस पहले हम चलते हैं डायमंड माइनिंग के लिए। एंड मैं थोड़ा सा टोर्च बना ले, तो भाई मेरा भाई एक सेकंड भाई, इस जगह पे क्या रोज ऐसे ही रहेगा कि एक सेकंड, अब तो भाई तुम आ जाओ, आ जा क्रीपर, फट फट आ जा तू, फट आ जा आ जा आ जा फट, ये कुछ नहीं हुआ, इसको कहते हैं ट्रिक। क्रीपर और फट ले, आ जा ना क्रीपर, क्रीपर गाइस क्रीपर को मारने का ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीका है। अगर क्रीपर फट रहे ना उसके सामने पानी डाल दो, क्रीपर आपको टच भी नहीं कर सकता। पहले मैं इस जगह को रोशनी करेगा भाई, पहले भाई मैं इस जगह को रोशनी करेगा। मेरे पास 4 टॉर्च है, मेरे पास कोल नहीं है क्या भाई, कोल यार मेरे को कोल, अच्छा इधर से मैं उठा सकता हूँ थोड़े से,
एक काम कर तो मैं और थोड़े से बना लेता। अरे ऐसे नहीं बनते भाई। मैं क्या भाई, मैं माइनक्राफ्ट भूल चुका खेलना। चलो हाथ टोर्च है। पहले तो मैं ये जो चीज है कोल, मैं इस कोल को फालतू में वेस्ट नहीं कर सकता। मतलब वेस्ट तो कर सकता हूँ फालतू में, बस काम तो उसका कुछ है नहीं। बट लेकिन अभी मेरे को ये जगह फिक्स करनी है, बिकॉज इधर भाई रोशनी नहीं है। रोशनी कहाँ से आएगी? ये देख रहे हो सारी तरफ ऐसे ही है। इसको ऐसे, अब कोई मॉब स्पॉन नहीं होना यार प्लीज भाई। मैं भगवान कसम बोल रहा भाई, अगर कोई अभी मॉब स्पॉन होना उसको भाई वो तो पिटा दे। चलो तो इस इधर हमने ये कर दिए, बाद में हम इसको पूरा कवर कर देंगे। अभी हमारे पास कवर करने के लिए कुछ है नहीं। बट मेरे को लेके आना चाहिए था यार, ताकि मेरे को ये फालतू चीज करना नहीं पड़े। हाँ ठीक है गाइस, पहले हम गड्ढे फिल करते हैं। देखो हम ये फालतू चीजें करने से अच्छा पहले गड्ढे फिल करते हैं, उसके बाद माइनिंग करने जाएंगे। मैंने जैसा बोला था नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ बड़े एडवेंचर पे जाने वाले हैं, तो एडवेंचर तो नहीं लेकिन माइनिंग करेंगे, वो भी डायमंड की। उसके बाद हम जाएंगे बड़े बड़े एडवेंचर पे। मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किए, जैसे मैं आपको चेस्ट पे दिखाऊंगा मैंने एक्सप्लोर किया क्या लाया। मैंने एक फ्लोटिंग बैम्बू आइलैंड, मतलब बैम्बू नहीं, हाँ उसको क्या क्या बोलते हैं उसको भाई, बैम्बू बायोम ढूंढना है। हाँ फ्लोटिंग मतलब ऐसे पांडा बायोम होते हैं ना, वैसे ही मेरे को फ्लोटिंग पांडा बायोम मिले जहाँ पर पांडाज भी है। एंड भाई क्या खतरनाक जगह, मैं बाद में दिखाऊंगा वो, हम नेक्स्ट एडवेंचर पे जाएंगे। आज हम जाने वाले डायमंड माइनिंग करने, तो पहले मैं फटाक से उड़ तोड़ लेता हूँ और एक शवल बना लेता हूँ, बिकॉज मेरे को शवल की जरूरत है। तो गाइस दो मिनट देना, मैं एक शवल बना। गाइस भाई मैं क्या गधा हूँ भाई, मेरे पास पहले से ही पड़ा है एक आयरन की शवल, और मेरे पास डर्ट तो थोड़े से है ही। मैं अलग हरकतें करता रहता हूँ कभी कभी भाई। मैं किंगडम बनाते बनाते मेरा दिमाग भी मतलब उस पर चला गया है। मैं रोज यही काम करने का सोचता हूँ, बट आज तो वीडियो बनानी है कुछ भी करके। तो देख तो गाइस फटाक से मैं इसको फिल करता हूँ, ठीक है। मेरे पास 22 डर्ट आ चुके हैं, शायद से इतने में हो जाए गड्ढे फिल करना, बिकॉज मेरे को अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में तो भाई गड्ढे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मैं बोल ही रहा था जिस बंदे का नाम, वो आ चुका है। बेटे मेरे से पंगा लेगा, मार 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 तीर मार, तेरे को ठोकूंगा मैं। अबे यार मेरी स्वॉर्ड पता नहीं क्या भाई, मेरा जब से ये न्यू वाला कीबोर्ड है ना, मैं मतलब डायरेक्ट मेरा हाथ थोड़ा सा बैठा नहीं है भाई, मेरे को उस पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी मेरे को पीजी की। बट इस पे मेरा पी भी थोड़ा अच्छा ही हो गया, ऐसा कुछ बुरा नहीं हुआ। तो मैं गाइस पहले इसको फिल कर लेता हूँ, ठीक है। फाइनली गाइस हमने इसको पूरा फिल कर दिया, अभी ये थोड़ा मस्त लग रहा है, पहले भाई घटिया दिखता था। एंड अभी हम चलते हैं माइनिंग करने के लिए। तो मैं ये जो 16 प्लैंक्स लिए, इनसे अभी मैं बनाने वाला हूँ थोड़े से स्टिक्स, बिकॉज हमको चाहिए थोड़े से रुको इतने हो जाएंगे, हाँ 16 और थोड़े से मैं लेकर मेरे को चाहिए लेके जाऊंगा, बिकॉज मेरे को बहुत ज़्यादा डायमंड चाहिए। बिकॉज हमारे सर्वाइवल वर्ल्ड में हम ऐसा कर देंगे कि हमारे पास इतना ज़्यादा डायमंड आ जाए कि किसने सोच ही ना हो। गाइस जो मैं डायमंड लाने का सोच रहा हूँ, लेकिन मेरे को एक बात दिमाग में आई कि अगर मेरे को इतने सारा डायमंड चाहिए तो भाई लग जाने वाले। चलो पहले उठ दो गाइज, ये अपना बंदा जो है ना, ये इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। एंड देख मतलब इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है, तो नीचे लाइक एंड सब्सक्राइब वाला बटन आ रहा होगा, इस बंदे के लिए एक लाइक वाला बटन दबा दो भाई। ये बंदा कितना मेहनत कर रहा है, आज ये बंदा इतनी ग्राइंडिंग कर देगा, इतनी ग्राइंडिंग कर देगा किसने सोची ना होगी, ठीक है, एकदम टॉप लेवल ग्राइंडिंग कर। सो गाइज यार भाई मैं थोड़े से प्लैंक्स लेके आ चुका हूँ, एंड अभी इतने बहुत ज्यादा, अभी क्या भाई अभी तो बहुत ज्यादा मतलब हो चुका है, अभी मेरे को ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। मैं थोड़े से वुडन के पिकैक्स नहीं, स्टोन के पिकैक्स, सच स्टोन के पिकैक्स ही बनाए। पहले हम थोड़े से वुडन के पिकैक्स बना लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम थोड़े से वुडन के पिकैक्स बना लेते हैं, नहीं वुडन के नहीं, पहले मैं थोड़े से स्टोन लूंगा भाई। मेरे पास दो दो आयरन के पिकैक्स है, मैं क्यों टेंशन ले। चलो पहले हम स्टोन ही कट लेते हैं।
गाइस टेम्पररी के लिए हमारा 56 कोबल्टस्टोन लेना होगा स्टोन के पिकैक्स के लिए। मैं अभी बनाऊंगा, मैं अभी देखो अभी मैं टोटल स्टोन के पिकैक्स जो है मैं टोटल लेके जाऊंगा 5 या 10 ताकि मेरे को कुछ दिक्कत नहीं है। और पहले एक बार सो लेते हुए रात हो गई, रात पे हम लेंगे। तो गाइस यार दूसरा डे हो चुका है एंड अभी हम फाइनली चलते हैं माइनिंग करने के लिए। तो भाई मैं टोर्च क्यों लगा के जा रहा हूँ, राइट क्लिक का ये इस्तेमाल नहीं कर। चलो चलते हैं भाई, मैंने पिकैक्स नहीं बने। वाओ भाई मैं क्या गधा बन गया। पहले पिकैक्स बना लेते थोड़े से, हमारे पास बहुत सारे स्टिक्स हैं जिनको हमने इस्तेमाल किया था। सिर्फ 21, अच्छा 21 ही है ना, अभी 21 स्टिक्स से हम बनाएंगे इतने सारे पिकैक्स। अभी मैं ऐसे डायरेक्ट करते करते नहीं जाऊंगा, मैं डायरेक्ट बनाते बनाते जाऊंगा। टोटल कितने बनेंगे मैं देखने जाता हूं। चलो इतने पिकैक्स अभी अभी के लिए इनफ है, अभी हम चलते हैं डायरेक्ट माइनिंग करने के लिए एंड एक एक पिकैक्स निकाल लेते। चलो तो हम माइनिंग करेंगे एक छोटे से एरिया, मतलब छोटा सा तो नहीं, एक मार्क करके जाएंगे ताकि अगर हम इधर से मतलब अभी देखो अभी मैं अपना माइनिंग स्टार्ट करता हूँ अपने कासल का जो अंडरग्राउंड इधर से मैं माइनिंग स्टार्ट करता हूँ एंड मैं माइनिंग करता गया और मैं पहुंच गया एक विलेज में और मैं अपना वर्ल्ड ही भूल गया। तो ऐसे तो नहीं होगा ना, तो हम माइन करेंगे एक मतलब स्ट्रेट डायरेक्शन पे ताकि मेरे को कुछ दिक्कत नहीं हो। तो मैं माइनिंग करूंगा कहां से इधर, ठीक है इधर से हमारा कासल भी दिख रहा है तो अभी इधर से माइनिंग करना शुरू करते हैं। तो मैं गाइस पहले हम चलते हैं डायमंड के लेवल पे, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगा। तो गाइस यार भाई मैं माइन करते करते फाइनली आ चुका हूँ y=15 पे एंड शायद से y=15 पे हमको डायमंड मिल जाए। देख अभी हमें y=15 पे अभी हम माइन करना शुरू करते हैं, देखते मिलता है। गाइस भाई मैं y=15 पे तो मैं पहुंच चुका हूँ एंड क्या है नीचे एक बार आप खुद देख। गाइस मैं पहुंच चुका हूं उस पे, क्या बोलते हैं ये वार्डन सिटी। पर हमारे नीचे ही भाई वार्डन सिटी, हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। माइनशाफ्ट भी है, ये देख रहे हो गाइस, ये देखो वार्डन सिटी। यार कौन सी एंशियन सिटी सोहब, देख रहे हो गाइस वो देखो भाई एंशियन सिटी पहुंच चुके हम माइन करते करते। क्या हम इसको एक्सप्लोर करने जाए? नहीं भाई, हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे इसको एक्सप्लोर करने। बट अभी मेरे को डायमंड चाहिए तो मैं कहां से जाऊं? अगर मैं ऐसे नीचे खोदूंगा अभी तो मैं इधर ही पहुंचूंगा। तो मेरे पास एक मस्त वाला ऑप्शन है, पता है क्या, मैं इधर से ना एक डिगिंग करूंगा ताकि मैं नीचे तक और थोड़ा नीचे जाऊं, देखो मेरे को नीचे जाना है अभी। तो अभी हम केयर मतलब थोड़ा केयरफुली करते हैं बिकॉज भाई अभी बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं, मरना बिल्कुल नहीं है। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। गाइस भाई मैं माइन कर रहा था और मैं बहुत बड़ी डीप केव में आ चुका हूं जहां पर ज़ॉम्बी तो मेरे को नहीं दिख रहे बट मौत तो मेरी बहुत जरूर दिख रही है। एंड मैं इसके नीचे जाऊंगा एंड मेरे को आयरन मिल चुका है एंड ये तो मैं ऑब्वियसली उठाऊंगा ही, तो हम उठाते हैं इसको। मेरे को डायमंड इधर मिल जाना चाहिए यार, मैं कौन सा लेवल पे हूँ, मैं -1 पे हूँ। मेरे को भी जाना है माइनस इतने पे, मेरे को भी -63 पे सबसे ज़्यादा डायमंड मिलते हैं, मैं -63 पे जाऊँगा। Let's go, let's start it. अभी चलते हैं डायरेक्ट -63, ठीक है गाइस।
गाइस मेरे इसे यकीन नहीं हो रहा, मैं मतलब एंशियन सिटी पहुंच चुका हूँ जहाँ पर वार्डन रहता है भाई। नेक्स्ट वीडियो में भाई इस पे जाए पक्का 100% भाई। मैं दोबारा वही जगह पे पता नहीं क्यों आ रहा हूँ भाई। अगर मैं नीचे गिरा ना मेरी मतलब भाई मेरे को डायरेक्ट मौत मिलने वाली है। और कुछ चलो भाई मैं क्राउच दबा के चल लूँ, अगर मैं कुछ भी गलती करूँगा ना भाई मेरे से बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। गाइस भाई ऑप्टिफाइन की वजह से मेरी भाई इतनी मेहनत हो रही है, मैं मजाक नहीं कर रहा। अभी आप गाइस फाइनली अभी मैं डायमंड के लेवल पहुंच चुका हूं, अभी हम डायरेक्ट करते हैं स्ट्रिप माइनिंग। तो लेट्स गाइस भाई मैं माइन कर रहा, एक सेकंड गाइस भाई मैं माइन कर रहा था एंड मैंने वार्डन के स्पीकर को स्टिक कर दिया। आर यू सीरियस? देख रहे हो नहीं नहीं भाई इस तरफ जाना बिल्कुल सेफ नहीं है, बिल्कुल इट इज वेरी वेरी अनसेफ भाई। भाई थोड़ा ऊपर चलते हैं, ऊपर थोड़ा सा ऊपर, इतना भी हमको नीचे माइन नहीं करना है। तो गाइस हमारे पास अभी एक ऑप्शन है जो हमें अभी मेरे को ट्राई करना पड़ेगा, एक रिसोर्स पैक। तो अभी उससे हम थोड़े से डायमंड लेते हैं, ठीक है गाइस। फाइनली गाइस अभी कुछ तो दिख रहा है कहाँ पर डायमंड है। तो मेरे को उधर गाइस डायमंड दिख रहा है, तो फटाक से हम उधर से डायमंड लेके आते हैं। एंड अभी गाइस देखो अभी हम एक्सरे यूज कर रहे हैं, तो अभी आप एक छोटा सा टाइम लैप्स एंजॉय करो। तो भाई मेरे से तो नहीं हो रहा भाई नॉर्मल माइनिंग, आप एक छोटा सा टाइम लैप्स एंजॉय करो जब तक मैं डायमंड माइनिंग करता, ठीक है। सो गाइस यार भाई फाइनली पूरे के पूरे 4 घंटा माइन करते करते हमारे पास आ चुके हैं टोटल 36 डायमंड्स। आपने सच्चे टाइम लैप्स पे देखा होगा या और आपको दिखाना पड़ेगा, बट आपने देख लिया होगा तो मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो अभी हम चलते हैं अपने घर के रास्ते पे, ठीक है। ठीक है गाइस तो अभी हम चलते हैं अपने घर के रास्ते पे। एंड अभी मैं बहुत ज़्यादा नीचे हूँ एंड मरना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता, तो चलो चलते अपने घर के रास्ते पे भाई साहब। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं मतलब मेरे को इतने ज़्यादा टाइम लग गया ना डायमंड माइन करने में। एंड अभी हम जा सकते हैं बड़े बड़े एडवेंचर्स पे जैसे कि विलेज विलेज। अभी अगर घर खो भी गया तो मेरे को टेंशन नहीं है, बस एक चीज़ का दुख रहेगा कि यार चला गया भाई, इतना कुछ अभी गया नहीं है। तो अभी हम डायरेक्ट चलते हैं भाई, कहाँ से जाओ किधर से जाऊँगा। चलो डायरेक्ट अभी चलते हैं ऊपर। एंड मेरे पास कितने सारे आ चुके हैं आपको मैं डायरेक्ट दिखाऊंगा। चलो पहले हम ऊपर चलते हैं। और गाइस भाई मेरा खाना भी टोटल ख़त्म हो ही चुका है, तो भाई यार बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई भाई माइनिंग करने में। चलो अभी पहले ऊपर चलते हैं। तो भाई मेरे पास ब्लॉक्स ही ख़त्म हो गए, ब्लॉक्स का इतने मेरे पास सामान था मेरे ब्लॉक्स ही ख़त्म हो गए। चलो अभी ऊपर चलते हैं। एंड गाइज मैं एक चीज़ बताना था भूल ही गया, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है ना ऑब्वियसली, आपको क्या दिक्कत होगा यार कि मैं रिसोर्स पैक यूज़ कर रहा हूँ। ऑब्वियसली माइनिंग रिसोर्स पैक ही, देख मैं आपको दिखा देता हूँ ये माइनिंग रिसोर्स पैक कैसा, कुछ है नहीं जैसे कि मतलब एक नॉर्मल माइनिंग रिसोर्स पैक है, जैसे कि ऐसा नहीं कि भाई सब कुछ एक्सरे कर देते, एकदम अच्छे से कुछ चीज़ों को बेटर कर देता है। जैसे कि मैं अभी स्टोन माइन कर रहा हूँ तो स्टोन मतलब कुछ ग्लास टाइप का लुक देता है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो अभी गाइस पहले ऊपर चलते हैं उसके बाद बातचीत करते हैं भाई। और पहली चीज भाई हमने वार्डन की जगह है उसको डिस्कवर कर लिया, हमारे पास स्नीक 100 भी आ चुका है, देख रहे हो, देखो स्नीक 100। अभी मैं डायरेक्ट जाके वार्डन से भी पंगे लूंगा बाद में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे हम वार्डन से पंगे लेने के लिए, आज नहीं
आप लोग बताना कमेंट्स में कि मैं वार्डन से पंगे लूं कि नहीं, बिकॉज देखते यार, क्योंकि हमारे पास डायमंड कार्मा आ चुका है। आई एम पीवीपी गॉड, मैं पीपी गॉड तो हूँ, बट इस रीजन के लिए कि मैं वार्डन को हरा पाऊंगा डायमंड आर्मी के साथ, तो बिल्कुल नहीं। मैं वार्डन के केव इसीलिए जाऊंगा अगर आप लोगों ने कमेंट किया, बिकॉज मेरे को सामान चोरी करना। मारने के लिए हम नेदरराइट प्रोटेक्शन कोर के पास कोर के साथ जाएंगे, या ऐसे कर सकते कि पानी डाल दिया एंड वो कर दिया, वैसे कुछ कर सकते हैं, बट सोचते हैं। ठीक है, पहले सोचते हैं, चलो पहले ऊपर चलो। लेकिन वार्डन को हम ब्लॉक नहीं कर सकते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बट कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले ऊपर चलते हैं, उसके बाद में सोचते हैं। सो गाइस यार, फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं, एंड पता नहीं मैं कहाँ पर आया हूँ। अच्छा, मैं कासल के इधर ही आया हूँ। गुड गुड गुड, अच्छा लगा मेरे को सुन के। लेकिन अभी रात हो रही है, तो पहले निकलते हैं ऐसे। और ज़ॉम्बी क्या है तेरे को? ज़ॉम्बी को तो मैं मार के जाऊंगा भाई, ज़ॉम्बी को मेरे को मारना बहुत ज्यादा पसंद है। चलो पहले ऊपर चलते हैं, मतलब ऊपर नहीं, पहले हम सो जाते हैं, और उसके बाद गाइस आप लोगों से मैं मिलता हूं। ठीक है गाइस, आज क्या खुशी का दिन है यार। मतलब हमने साथ ही साथ माइनिंग करने गए थे, साथ ही साथ स्नीक 100 वाला एडवांसमेंट भी लेके आ गए, खतरनाक। चलो पहले हम डायमंड कार में बनाते हैं, और स्केलेटन बहुत ज्यादा पंगे ले रहा है, इसको थूक के आ गया। कहां गया बेटे, कहां गया भाई? मार मेरे को, मार 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 तेरी पैंट क्या, मार 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 तेरे को, मैं कोट दे जाऊं, मार 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 मार, ये खत्म। अबे क्रिट क्यों नहीं भर रहा भाई? मैं क्रिट नहीं भर गया, मैं बोला था एक सेकंड। ज़ॉम्बी नहीं 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 नहीं, चलो अच्छे बच्चे पंगे नहीं लेते। ठीक है भाई, मेरा खाना खत्म हो गया, अभी मैं मर जाऊंगा अगर मैं ज्यादा पंगे लूंगा तो ज़ॉम्बी से। बट भाई अब एक बहुत बड़ा एडवेंचर करके आ चुके हैं, माइनिंग एडवेंचर। मैं भाई, मैंने उस वीडियो में आपको क्या लगा कि भाई कुछ ज्यादा ही बड़े एडवेंचर में जाने वाले, वो करने वाले? हाँ, हम जाएंगे, वो हम जाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। मतलब नेक्स्ट वीडियो पे हम इस घर को छोड़ेंगे। पहले तो मेरे को कंपास चाहिए होगा, मैं अभी ऑफ स्ट्रीम में जाऊंगा, मतलब स्ट्रीम में मैं जाके कंपास बनाऊंगा, एक थोड़ा सा एक स्ट्रीम करूंगा, तो आपको मिलेगा रिपुंजल लाइव पे वाली स्ट्रीम। भाई मेरा खाना खत्म हो गया, पहले खाना पकाता हूँ। एंड गाइस बनाते हैं अपना डायमंड कार्मर। भाई मैं कितना वेट, मैं भाई मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुंह से कुछ शब्द नहीं है डायमंड कार्मर पहली बार बनाने में, तो लेट्स डू इट भाई, एक साथ बनेंगे। रुको मेरा खाना खत्म हो चुका है, पहले इसको पकने देते, तब तक हम डायमंड कार्मर बना देंगे। तो पहले मेरे को डायमंड कार्मा बनाने की रेसिपी पता है, तो हम नूब नहीं है, तो हम पता है हमको रेसिपी। पहले हम बनाएंगे डायमंड का हेलमेट, उसके बाद बनाएंगे डायमंड की चेस्ट प्लेट भाई। सॉरी सॉरी भाई, मैं यार मतलब एक सेकेंड रुको। हाँ ये हमारी आ गई डायमंड की चेस्ट प्लेट, एंड उसके बाद अभी हम बनाएंगे डायमंड का पैंट। चलो डायमंड की पैंट भी बना देते हैं, एंड उस हेलो ग्लिच ग्लिच, अच्छा मैंने उल्टा डाल दिया भाई, मैं यार क्या ऐसे बनती है ना। हाँ तो उसके बाद हम बनाएंगे डायमंड की पैंट, एंड उसके बाद हम बनाएंगे डायमंड का जूता। एंड एक सेकंड कवर में डायमंड्स कब का ही आ गए मेरे को? पहले मैं ये आयरन का आर्मर फेंकूंगा तो नहीं, लेकिन रुको मैं साथ साथ टूल्स भी लूंगा ना, एंड एक म्यूजिक डालेंगे। ठीक है, मैं एडिटिंग में एक म्यूजिक डालूंगा, मतलब एक सहनसा वाली म्यूजिक डालेंगे, बिकॉज अभी हम सहनसा बन चुके हैं वर्ल्ड के, वो भी खतरनाक वाली, और अभी हमको कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि इस वर्ल्ड के राजा हम। ऑब्वियसली मैं ही हूँ भाई, और कौन है भाई इस वर्ल्ड में, खेलता कौन है? हाँ मेरे बीच पे मेरे दोस्त आने वाले हैं, उन लोगों ने मेरे को बोला है तू मेरे को मत बता तू कहाँ से आएगा, मैं तुम्हारा तेरा वर्ल्ड मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो भाई वो हैकर हैकिंग अच्छी से आती है, देखते अभी वो कब आते हैं। एंड अभी उनके बारे में तो छोड़ ही देते हैं, अभी हम पहले अपना डायमंड के चीज़ें बनाते हैं। तो मैं अपने डायमंड कार में सोच रहा हूँ कि मैं इसको हाइड करके रख दूँ आर्मर स्टैंड के साथ, या मैं आयरन कार में पहनूं, बट मैं डायमंड कार में पहनूं,
चलो पहले मैं भाई मेरे पास खाना कहाँ है स्टिक्स ये रहे चलो पहले ये लो एंड ये लो ये 8 स्टिक हो गए अभी मैं साथ साथ मतलब डायमंड के चीज़ें भी बना लूँगा जैसे कि हम बनाएंगे डायमंड की स्वॉर्ड एक डायमंड की पिकैक्स सॉरी एक एक्स और एक डायमंड की पिकैक्स और क्या बने डायमंड का एक शवल शवल बच जाएगी शवल भी बना लेते हैं और एक डायमंड की पिकैक्स ठीक है चलो हमारा पूरा काम हो चुका है ना अभी गाइस हम पहनने वाले हैं डायमंड कार तो लेट्स स्टार्ट मैं ऐसे नहीं पहनूंगा मैं आपको दिखा के पहनूंगा वो भी F5 मोड पे तो लेट्स स्टार्ट पहनते उससे पहले मेरा खाना एक सेकंड भाई सब कुछ क्लियर रहना चाहिए भाई सब कुछ भाई क्लियर रहना चाहिए एक सेकंड हाँ तो अभी हम पहनते हैं डायमंड का आर्मर एंड स्टार्ट करते हैं डायमंड का आर्मर पहनना चलो 3 2 1 एंड पहनते हैं एंड फाइनली हमारे पास आ चुका है डायमंड का आर्मर ये अभी हम अभी बैठे आज भाई आप तुम मेरे से पंगे ही नहीं ले सकते गाइस हमारा ये काम हो चुका है एंड अभी हम पहले काम अभी मेरा डायमंड का आर्मर काम नहीं था पहले मैं ये देखूंगा कि मेरा मतलब भाई मेरा व्हीट पक चुका है हेलो चलो गाइस पहले खेती करके आते हैं एंड मेरे को थोड़ा सा ब्रेड चाहिए बिकॉज मेरा खाना खत्म हो चुका है तो पहले हम अपनी डायमंड की तरवाली यूज करेंगे एक खेती कर लेते हैं तो लेट्स स्टार्ट भाई खेती करने में क्या मजा आता है ना मेरे को तो भाई बहुत ज्यादा मजा आता है मेरे को इतनी ज्यादा मजा आता है चलो 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 भाई उगा नहीं है अभी तक अच्छे से और इसको लगाना भी है तो बहुत काम अभी है तो पहले हम इसको तोड़ लो गाइस मैंने सारे के सारे ये वीट तोड़ दिए अभी मैं इसको दोबारा से रिप्लेस करूंगा एंड चलो स्टार्ट करते हैं एंड गाइस मेरे को बताना कि कमेंट सेक्शन में कि मेरा फार्म में मैं फेंसिंग कर दूं ना मैं सोच रहा हूं मैं फेंसिंग करने वाला हूं लेकिन रुको मैं करूंगा अभी अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैं फार्म को थोड़ा सा अच्छा बनाऊंगा तो अभी मैं कैसे करता हूं आप देखोगे गाइस यार मैं क्या गलती करता रहता मैंने वही उधर भूल के आ गया भाई मैं अभी मेरे को दोबारा से वही लेके आनी पड़ेगी बट ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और अभी मैं वीट गाइस देखो मैंने वीट का फार्म इसलिए बनाया बिकॉज हमको बहुत ज्यादा वीट चाहिए ताकि हम एनिमल्स को ब्रीड कर पाए लेकिन अभी एनिमल्स कोई हमारे पास है नहीं जैसे कि मेरे को शीप को पालना है मतलब शीप पालना है मतलब शीप को मेरे को ब्रीड करवाना है लेकिन एक भी शीप मेरे को मिली नहीं है लेकिन हाँ वो हम स्ट्रीम पे करते रहेंगे अभी उसका काम नहीं है बट आपको अगर मतलब कुछ अपडेट्स चाहिए तो भाई मेरी पुंजो लाइफ को फॉलो करो आपको मिल जाएगा एंड गाय मेरे को तो मिली है एक काम करते हैं उनको गाय को हम लेके आते हैं ठीक है तो कितने गाय है कितने गाय मैं देखूंगा कितने गाय है एक है कि दो है भाई कितने गाय है एक है एक ही तो होंगे गाय चल आजा ओए गाय आजा चल आजा और एक चाहिए था यार ताकि ब्रीडिंग हो पाए भाई कहाँ पर है एक गाय और तो चाहिए आजा आजा जल्दी आ जल्दी आ अबे ओए जल्दी आ भाई गधेरी इसका नाम मैं गधेरी रख दूंगा भाई आजा जल्दी आ ओए गधे अटकने क्या तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा जल्दी आ ओए ये देख वीट 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 हाँ हाँ आजा भाई कैसे कैसे काम करने पड़ रहे हैं मेरे को मैं पहले इनके लिए एक अलग से जगह बनाऊंगा रुको आ जा पहले तू आ जा कूद 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 हाँ गुड वेरी गुड आ जा अभी हाँ रुको ठीक है रुक एक सेकंड रुक मैं काम करने ना रुक अभी के लिए तू इधर कैद रहे बाद में तेरा हम कुछ करने वाले तो पहले अभी के लिए तू इधर ही कैद रहे ठीक है mm.
भाई आज गाय का दिमाग टेस्ट करने का वक्त है, क्या एक गड्ढे में गिरेगी कि नहीं गिरेगी? आजा 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 गड्ढे में ये चलो गिर गई, मतलब गाय अभी भी गड्ढे ही है, मतलब माइनक्राफ्ट के गाय अभी भी, मतलब उनके अंदर अभी भी दिमाग नहीं है और पहले से नहीं था, और शीप के अंदर भी दिमाग नहीं है जो हम बोल सकते हैं नहीं है बिकॉज वो गधे ही है। भाई फाइनली भाई हमारे पास एक डायमंड का आर्मर आ चुका है। मैं कितने टाइम से सोच रहा था कि पहले एडवेंचर पे चले, बट मैंने तब गौर किया कि हमारे पास डायमंड का आर्मर नहीं है तो काई का एडवेंचर पे, और मेरे को अपना डायमंड कार में वेस्ट नहीं करना है, तो पहले मैं सो के आता हूँ एंड उसके बाद चलते हैं हम पहला काम करने। पहले मैं एक देखो, पहला हमारा ये काम हो चुका है डायमंड माइनिंग करना, अभी इतना ही काम नहीं है। अभी मैं एनिमल्स के लिए फेंसिंग बनाऊंगा जो अभी मैं करूंगा। रुको मेरे पास ये 20 प्लैंक्स है, तो अभी मैं इनके लिए एक फेंसिंग बनाऊंगा। कैसे बनाते हैं मेरे को पता है, ऐसे करके बनाते हैं ना। वह कैसे बनाते हैं फेंसिंग? अच्छा स्टिक्स, चार फेंस है ही, और नौ मैं ले लेता हूँ। चलो इनसे मैं बनाऊंगा थोड़े से स्टिक्स, हाँ 16 6। अभी ये 16 6 से कितने फेंस बनते हैं? हाँ टोटल हमारे बने 15। ये काम ही आएंगे यार, मेरे को लगा मैं वेस्ट किया, बट ये वेस्ट नहीं है, ठीक है ये काम आएगा। तो हमारा जो फार्म वाला सेक्शन है उसको अभी के लिए मैं इधर तो खटिया ही है। मैं सोच रहा हूँ अपना फार्म वाला सेक्शन को इधर सेट कर दूँ, बट इधर गाय बकरी है तो कहाँ पर करें बताओ? रुको एक सेकंड, मेरे पास एक मस्त वाला आइडिया है, अपना फार्म वाला सेक्शन को थोड़ा सा इधर अपग्रेड कर दे। तो मैं एक शवल लेके आता हूँ फटाक से ताकि मेरे पे हेल्प हो जाए। नहीं इधर 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 फाइनल इधर, हाँ इधर पक्का 100%। मेरे पास डर्ट नहीं है, रुको मैं ये अभी फाइनल कर दूँ, देखो जल्दी से मैं लेके आता हूँ। पहले मैं इधर इसकी फेंसिंग कर देता हूँ ना, मतलब इसकी ये वाले फार्म की इसकी फेंसिंग ही तो करनी है, और मेरे को इधर से करना पड़ेगा। बट कुछ तो अजीब लग रहा है, मेरे को डर्ट लगाना पड़ेगा। हाँ तो मेरे को थोड़े से वो चाहिए, रुको मैं लेके आता हूँ। चलो चलो चलते हैं ऊपर एंड एक एक शवल लेके आते हैं। मेरे पास डायमंड की शवल है बट अभी जस्ट बने तो उसको अभी हम यूज। स्केलेटन हरामी तू रुक, तेरे को मैं उधर जाके ठोकेगा। लेकिन पहले रुक, पहले ठोकना इस बैड मैनर, पहले हम उड़ाएंगे ठीक है, उसके बाद ठोकेंगे। आ जाओ पहले चलते। स्केलेटन तीर मत मारे, गलती से भी मेरा डायमंड कार में डैमेज हुआ ना भाई, तेरे को मैं पहले मतलब ऐसा कचुमर करके ठोकूंगा, ऐसे खत्म कर देगा, फिनिश कर देगा ठीक है। ऐसे नहीं कि छोड़ भी दूंगा, अगर तू गलती नहीं भी करेगा तो मैं छोड़ देता, लेकिन भाई तेरे को डायरेक्ट खत्म कर दूंगा। तो गाइस पहले हम थोड़े से डर्ट लेते हैं, देखो मेरे को बहुत जरूरत है, तो पहले डर्ट खोदते हैं। सो गाइस यार हमारा गाय बकरी का जो हमारा प्लान है वो तो हमारा इधर हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा ये काम नहीं है, अभी हमारा मेन काम है, अभी हमको इधर फेंसिंग लगानी है। तो फेंसिंग के लिए मैं इधर फटाक से ये काम कर देता हूँ, बहुत मस्त दिखने वाला है, आपको मैं बाद में बताता हूँ, पहले आप देखो। सो गाइस अभी फेंस लगाना शुरू करते हैं, हमारे पास काम तो हो चुका है तो अभी फेंस लगाते हैं ठीक है। सो गाइस यार भाई मेरे को गाय वाला तो सेक्शन मिल चुका है कि कितना हमारे पास है, तो अभी मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी मैं इधर इसीलिए आया हूँ जो मेरे को फेंसिंग करनी है, पहले तो इस चीज की फेंसिंग करनी है कि हमारे पास उड नहीं है थोड़े से, तो मैं अभी उड तोड़ने जा रहा हूँ ठीक है। तो चलो पहले उड तोड़ के आते हैं। सो गाइस यार भाई मैं बहुत सारे फेंस बना के अभी ला चुका हूँ,
अभी फाइनली काम हमारा जो है वो हो जाए, आई होप सो, पता नहीं, देखते हैं अभी। पहले अभी मैं इधर से मैं लेयर मारता हूँ एंड अभी स्टार्ट करते हैं। भाई मेरे को जो ही लग रहा था भाई, वही वाह यार, मैं सही में मेरे को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है ना। और पहले रात हो गई तो पहले दिन नहीं करके आते, उसके बाद मेरे को इतना भाई बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, पहले निंदी करके आते हैं उसके बाद। चलो आयो स्केलेटन, मैं देखो देख रहा है इधर से, अगर एक भी तीर आई ना मेरे पे, मैं तेरा माइनक्राफ्ट उड़ा दूंगा, बोल लो ठीक है, जरा पंगे मत ले मेरे से। एंडर ड्रैगन को मार के पहले मैं तेरे को ही ठोकूंगा, स्केलेटन किलिंग फार्म बनाएगा मैं, रुक। चलो हमने निंदी कर ली है, पहले मेरे को अभी दोबारा से थोड़ा सा फेंस चाहिए, अब फाइनली हो जाए भाई, प्लीज इतने में हो जाए, नहीं होगा इतने में, अभी दोबारा से उड़ तोड़ने जाने पड़ेंगे। चलो चलते हैं। गाइस आप लोग सोच रहे हैं भाई तू इस गाय को क्यों नहीं मार रहा, इसका रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी पहले आप गाइस इतने में तो हमारा काम हो जाना चाहिए, लेकिन मेरे को थोड़े से गाय मिले, पहले मैं उनको कैद करूँ। हमारी गाय तो हमारी इधर सेफ, मतलब सही सलामत ही होगी। हेलो गाय कहा गई? हेलो मजाक चल रहा है क्या? अबे कहाँ गई गाय? अबे यही तो गड्ढे थी। रुको 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 गाइस, भाई इधर ही कहीं घूम रही होगी, पहले उनको लेके आते हैं। भाई यार अगर भाई नहीं मिले ना भाई, इतनी मुश्किल से लेके आया था। अच्छा बोरी बोरी भाई, चल 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 चल, कौन कौन है, कौन कौन है, कौन कौन जाएगा, कौन कौन जाएगा, आ जाओ बकरी 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 बकरी, चल आ जाओ, चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी जल्दी, गिरना नहीं गिरना नहीं गिरना नहीं, गुड, अच्छा बच्चे की तरह आ जाओ, हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर 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 एंड आ जाओ इधर इधर, आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो आते रहो, जल्दी आ, इधर ही का गड्ढा है भाई वो वाला, पापा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, इधर इधर, हाँ तू भी गिर आ जा, गिर 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 आ जा जा अंदर जा अंदर जा, हाँ तू भी तू भी तू भी, तू बहुत अच्छी गाई है, आ जा, हाँ टपेली मारेगा मैं तेरे को, आ जा जा अंदर जा अंदर जा अंदर जा, गुड फाइनली अभी मैं इनको ट्रैप कर सकता हूँ। रुको पहले मैं इनके लिए अलग से मेरे को और बैरियर देना पड़ रहा है भाई, गाय के लिए मेरे को बॉर्डर बनाना पड़ रहा है, देख रहे हो? रुको चलो अभी पहले निकलते हैं ऐसे और पहले फार्मिंग कंप्लीट कर, रुको चलो आ जाओ और भाई रात हो गई तो पहले निन्नी करते हैं। तो गाइस यार भाई दूसरा दिन क्या तीसरा दिन पता नहीं कौन सा डे चल रहा है, आज डे कौन सा है? ज़ॉम्बी नहीं, मेरे को अपनी एक्स निकालनी पड़ेगी। तेरी अब तो तू पिटा बेटे बेटे, अब तो तू पिटा भाई, तूने मेरा डायमंड आर्मर डैमेज कर दिया, अरे सीरियस, लेकिन अभी तू पंगे नहीं ले सकता मेरे से बिकॉज ये तो मेरा नॉर्मल डायमंड आर्मर, तो मैं इसको यूज करूँ कि नहीं करूँ फर्क नहीं। पहले गाइस फेंसिंग लगाते इधर का, तो ये हमारा इधर काम हो चुका है, मेरे को इधर और एक डर्ट चाहिए भाई, कितनी मेहनत करूं भाई, गाइस भाई मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक बार एक किंगडम बन ले तो उसके बाद सबकी मतलब देखते हैं उसके बाद कौन पंगे लेता हम, एक बार बस एक किंगडम बनने दो, राजा बनने दो अभी, उसके बाद हम तुमको तुम्हारे ऊपर राज करेंगे, रुको बस पहले एक किंगडम बनने दो, रुको तुम ज्यादा मजे ले रहे हो ना, तुम्हारे मजे लेने का वक्त भी आएगा, रुको आते हैं। फाइनली गाइस हमारा हेल्पफुल हो चुका है डिफेंस लगाना, अभी तो हो जाए, अभी प्लीज हो जाए, अभी मैं मजाक नहीं कर रहा, अभी बिल्कुल सीरियस, अगर अभी नहीं हुआ ना भाई मैं लीव कर रहा हूँ भाई, ट्रायल है अभी, मेरे को बनानी नहीं वीडियो। चलो गाइस पहले इसको कंप्लीट करते हैं, गाइस फाइनली भाई इतने घंटे मिनटे और फुल
मेहनत करने के बाद हमारा काम हो चुका है। गेट वेट में अभी नहीं बनाऊंगा, अभी हम पहले फार्मिंग करते हैं। रुको आ जाओ भाई, अभी तक गाय वाय डिस्पोन तो नहीं होंगे होंगे यार, प्लीज यार, मजाक नहीं, प्लीज मजाक नहीं, मजाक नहीं, मजाक नहीं, प्लीज नहीं हुए होंगे भाई, नहीं हुए होंगे ना गाइस, आपको क्या लगता है हुए होंगे कि नहीं हुए? आते रहो आते रहो आते रहो, इधर से ऊपर उठो एंड फाइनली पहुंच गए। अभी रुको तुम, पहले पहले इधर ही रुको, ठीक है? फालतू चाले करना बंद करो। रुको अभी मेरे को और काम करने पर है ना, कैसे कैसे भाई मैं बदला लूंगा भाई। पहले फाइनली हमारा कैटल भी बन चुका है, अभी इनके साथ ब्रीडिंग भी करा सकते हैं भाई। पहले मैं ब्रेड बनाऊंगा, रुको पहले मेरे को मेरा खाना ही खत्म हो गया, मेरा खाना ही खत्म हो गया, पहले मैं ब्रेड बनाऊंगा। रुको चलो आ जाओ, और उसके बाद ये वाला वीडियो यही पे खत्म करते हैं भाई। भाई कितनी मेहनत करो, देख रहे हो गाइस, इस बंदे के लिए एक लाइक तो बनता है। चलो जल्दी लाइक वाला बटन दबा। सो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अभी भाई मैं इंट्रो शूट कर रहा हूँ, वीडियो सब कुछ बनाने के बाद एडिटिंग खत्म हो गई। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई होप आपको ये वाली वीडियो को डायरेक्ट दिखाई दूंगा यार, हाँ आपको ये वाली वीडियो पसंद नहीं होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद नहीं है तो लाइव में बोल लो, इस वीडियो पे मैं टोटल लाइक्स एम करता हूँ 55 लाइक्स के लिए, 45 लाइक्स। अगर 45 लाइक्स हो गए तो नेक्स्ट वीडियो, नहीं यार कुछ बड़ा रखते, ठीक है 65 लाइक्स हो गए तो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।